हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इफ एस वन एस टू एस थ्री अप टू एस एन आर सम्स ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हुज फर्स्ट टर्म्स आर 1 2 3 अप टू एन एंड हुज कॉमन रेशियो आर 1/2 1/3 1/4 एंड 2 1/n+1 रेस्पेक्टिवली एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1/s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर प्लस s3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू s2n-1 स्क्वायर। यह तो की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, की कॉन्सेप्ट समझते हैं हमारा। की कॉन्सेप्ट यह है कि कॉन्सेप्ट यह है इनफाइनाइट जीपी का सम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एस एन इज इक्वल टू ए अपॉन 1-r। या एस एन का है या इसको एस का है एक ही बात है, एस इज इक्वल टू ए बाई 1-r। ए इज फर्स्ट टर्म, आर इज कॉमन रेशियो, होता है इनफाइनाइट जीपी का सम। और दूसरा पॉइंट की कॉन्सेप्ट जो है वो ये समेशन, ये तो हो गई फर्स्ट। जैसे ये समेशन के स्क्वायर किसके इक्वल होता है, के इज रनिंग फ्रॉम 1 to n तक रन कर रहा है तो ये सम होता है इसका किसके इक्वल, एन एन प्लस वन 2n+1 n+1 2n+1 बाई 6 के इक्वल होता है। इसकी कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए एस वन क्या है हमारे पास, एस वन एक ऐसी जी पी है इनफाइनाइट जी पी जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है, एस वन सम ऑफ इनफाइनाइट जी पी फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो कितना है 1/2। तो इसका सम क्या होगा, एस वन किसके इक्वल होगा, ए बाई आर। ए कितना है 1 अपॉन आर कितना है 1-1/2, तो 1 अपॉन 1/2 2 के इक्वल हो जाएगा। ये हमने एस वन निकाल लिया। एस टू कौन सा है, वो सम है जिसका फर्स्ट टर्म कितना है, देखें फर्स्ट टर्म 2 है, आर कितना है, कॉमन रेशियो कितना है 1/3। तो ये कितना लगाएंगे, 1-1/3 2-1, तो ये किसके इक्वल हो गया, 3 के इक्वल हो गया। एस वन निकाल लिया, एस टू ऐसे ही, एफ टू एस एन कितना होगा, एस एन का फर्स्ट टर्म एन हो जाएगा और कॉमन रेशियो कितना गिवन है 1/n+1 1-1/n+1 n/(n+1)(n+1-1) तो ये इससे कैंसिल होगा तो ये कितना आ गया, ये n+1। हमें क्वेश्चन में कहाँ तक सम फाइंड करना है, हमें है s2n-1 का होल स्क्वायर तक फाइंड करना है। तो हमें पहले s2n-1 की वैल्यू निकालते हैं, एस टू एन माइनस वन इज इक्वल टू इसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, 2n-1 हो जाएगा अपॉन 1-, कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा, एक ज्यादा होता है, ये 2n-1 2n-1 है भाई 2n, ये इससे कैंसिल तो ये कितना आ गया 2n आ गया। हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, एस वन स्क्वायर प्लस एस टू स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक, s2n-1 का होल स्क्वायर तक। एस वन कितना हमने निकाला है, एस वन की वैल्यू निकाली हमने 2, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस एस टू कितना निकाला हमने 3 निकाला है, तो इस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू ये कितना हो जाएगा 2n, तो इसका स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब इधर हम क्या करेंगे, हम इधर प्लस 1 ऐड कर देंगे, प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन कहाँ तक, 2n स्क्वायर तक, और -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये है पॉइंट, इससे क्या होगा, ये जो है ये फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर्स बन गए। तो इसका सम हम कहाँ से निकाल सकते हैं, अपने की कॉन्सेप्ट में हमने फॉर्मूला देखा था उससे निकाल सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, एन एन प्लस वन, एन की जगह पे यहाँ पे एन कितना है 2n है, 2n n+1 कितना होगा 2n+1, देखें एक बार जरा फॉर्मूला, n+1 2n+1, तो ये 2 टाइम्स ऑफ 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, -1 ही ऐसे रहेगा, ये कितना हो गया 2n+1
टू से 4n+1 हो जाएगा ये, 0.2/6-1, इसको 2 से 3 कैंसिल हो, 6 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा n 2n+1, 4n+1/3-1, यही मैं फाइंड करना था। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, थैंक यू सो मच।